ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और आपको बताएंगे कि बच्चों में ब्रेन ट्यूमर के लक्षण आपको कैसे पता चलेगा। आजकल बच्चों में अमूमन ये देखा जाता है कि ब्रेन ट्यूमर सबसे ज्यादा हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण तब दिखाई दे सकते हैं जब उसके द्वारा ली गई जगह, जो अवांछित कोशिकाओं की वृद्धि है, ली गई जगह दिमाग पर दबाव डालना शुरू करती है या ट्यूमर के क्षेत्र में कार्य करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होने लगे। यदि शुरुआत में ब्रेन ट्यूमर का इलाज नहीं कराया जाता है तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर अधिकतर 3 से 15 वर्ष की आयु में अथवा 50 वर्ष की आयु में विकसित होता है। यह रोग पुरुषों या महिलाओं किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है। यह विशेष प्रकार के विषाणु के संक्रमण से होता है। इसके कई लक्षण है जैसे सिर में दर्द, उल्टी आना, दौरे पड़ना, सुस्ती लगना, एक आंख में परेशानी, चलने में लड़खड़ाहट, चेहरे पर कमजोरी, पलक का लटक जाना, बोलने में दिक्कत आना, इत्यादि बहुत सारे लक्षण है। बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का जो लक्षण है वो मैं आपको बताता हूं। सिर में दर्द ब्रेन ट्यूमर के शुरुआती लक्षणों में से एक है। इसमें अक्सर सुबह उठते ही तेज से दर्द शुरू हो जाता है जो दिन में ठीक हो जाता है। झुकने पर और व्यायाम करने पर यह सिर दर्द अधिक होता है। ब्रेन ट्यूमर में सुनने में परेशानी होती है। कानों में हमेशा कुछ अभी अजीब सी आवाज सुनाई देती रहती है। इसके अलावा कमजोरी, बोलने और चलने में दर्द, मांसपेशियों पर घटता नियंत्रण, दोहरा दिखाई देना और घटती चेतना आदि भी ट्यूमर के कारण हो सकते हैं। उल्टी हो सकती है, जी मचलाएगा, चक्कर आएगा, दृष्टि संबंधी तकलीफ होगी, धुंधला दिखाई देगा, आंखों की नस में सूजन आना भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण है। दौरे पड़ेंगे, मांसपेशियों में ऐंठन महसूस होगा, हाथ या पैर में फड़कन होगी और पूरे शरीर में फड़कता रहेगा आपका पूरा शरीर। ऐसे रोगी कभी कभी बेहोश भी हो जाते हैं। ब्रेन ट्यूमर की रोगी की याददाश्त पर भी असर पड़ सकता है। इसके रोगी को चलने में दिक्कत या शरीर के एक भाग में कमजोरी महसूस होती है और बोलने में परेशानी होती है। बोलने या किसी शब्द को समझने में कठिनाई होती है। लिखने, पढ़ने या मामूली जोड़ घटाव में परेशानी होती है। कुछ गतिविधियां के संचालन में परेशानी भी इसी का लक्षण है। धन्यवाद। ये हमने बच्चों के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, वो हमने आपको बताए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।